ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 1 है जी जो के है Functions and Limits का इसमें जिन दो टॉपिक्स को आज हम डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है Concept of Function और सेकंड है Domain and Range of Function अब इन दोनों टॉपिक से related जो MCQs हैं वो हम one by one जो है वो डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स हम फर्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट ये है कि दी डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू यानी फंक्शन इस तरह से डिफाइन हुआ है कि एब्सोल्यूट ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 लिखा हुआ है ठीक है अब इस फंक्शन में क्या हम इन गिवन जो हमारे पास ऑप्शन है क्या इनमें से हर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं या किसी एक को यूज कर सकते हैं अब हमने ये देखना है यहां पर ठीक है यानी बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमने यूज यहां पर देखना है कौन सा होगा देखें जैसे हम ये बात जानते हैं कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स का नाम है ठीक है जिसमें वो ही एलिमेंट्स आते हैं जो फंक्शन में लिखने से एक वैल्यू दें यानी रेंज दें कोई डिफाइंड नंबर आए ठीक है जैसे इस फंक्शन में मैं देख रहा हूं कि इसका जो डिवाइजर है x + 2 है और अगर मैं यहां पे x की जगह नेगेटिव 2 पुट कर लेता हूं तो मेरे पास ये जवाब जो है अनडिफाइंड हो जाएगा मींस के अगर हम इधर इसको दिखें तो ये -2 +2 ये तो 0 हो जाएगा और यहां भी ये 0 आ जाएगा तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी ठीक है तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि इसमें -2 नहीं लिखा जा सकता पॉजिटिव 2 लिखा जा सकता है यानी रिवर्स इंजीनियरिंग जो हमारे पास मेथड है उससे अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव 2 यानी ये कहा जा रहा है कि आप तमाम रियल नंबर्स लिख सकते हैं सिवाय पॉजिटिव 2 के जो कि गलत है इसमें हम -2 नहीं लिख सकते यानी बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें तो सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है इसमें रैशनल इरेशनल नंबर आ रहे हैं ये सब पे डिफाइंड है सिवाय -2 के इसलिए सी ऑप्शन में +2 भी और -2 +2 तो इसकी डोमेन में शामिल है -2 नहीं तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा वो यहां पे क्या हो जाएगा जी फिर एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसे हम मार्क कर देंगे नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू यानी यहां पे हमारे पास एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन हुआ हुआ कि इसमें e एक हमारे पास एक कांस्टेंट है ठीक है सिंगुलर कांस्टेंट कहते हैं एक इरेशनल नंबर उसकी पावर है x स्क्वायर माइनस 1 और इनटू लॉग ऑफ इन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 लिखा है ये बात हम जानते हैं कि जो लॉगरिथम होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है और जीरो पे भी डिफाइन नहीं है ठीक है इन लॉग 0 हम नहीं ले सकते अनडिफाइंड अब इन बातों को ज़हन में रखते हुए हम देखें कि जो डोमेन है हमारे पास यानी वो एलिमेंट्स जिन पे के फंक्शन को ऑपरेट किया जा सकता है यानी जिनको लिखने से जो फंक्शन है वो कोई आंसर देता है वो कौन से नंबर हो सकते हैं इन ऑप्शन में से हमने देखना है जैसे अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो इसमें एक ओपन इंटरवल है ये ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसमें लिखे जाने वाला 1 खुद शामिल नहीं है ठीक है इससे बड़े नंबर शामिल हैं और फिर इसी तरह सो ऑन इंफिनिटी खुद शामिल नहीं है उससे जो वेरी वेरी प्रीवियस नंबर होगा उससे पहले जो आने वाला नंबर वो शामिल होगा ठीक है तो देखें क्या हम इसमें 1 लिख सकते हैं अब यहां पे अगर हम 1 लिखते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी वो हमारे पास 0 आ जाता है लॉग 0 तो डिफाइंड ही नहीं है लेकिन इसमें हम 1 नहीं पुट कर रहे ठीक है 1 से बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं तो जब 1 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो उसमें से जब 1 निकाला जाएगा तो आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा तो लॉग उस पे डिफाइन है और फिर e की पावर x की जगह वो नंबर लिखा जाएगा तो उसका स्क्वायर और उसमें से चूंकि 1 से बड़ा कोई नंबर हो ठीक है चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो उसका स्क्वायर उससे बड़ा आता है 1 से बड़ा आता है मतलब उस नंबर से बड़ा है और उसमें से 1 माइनस करें तो पॉजिटिव नंबर आएगा इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बी देखें तो इसमें 1 शामिल है जो कि हमने अभी देखा था कि ये शामिल नहीं हो सकता इसी तरह ये तो इंटरवल ही गलत लिखा हुआ है कि इसमें मतलब हम जो
इन्फिनिटी है उसको एक नंबर के तौर पे ट्रीट करें जो कि रॉन्ग है, ये तो एक सिंबल है, ठीक है। ये इन्फिनिटी का मतलब है कि अनडिफाइंड या बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो गलत ऑप्शन लिखा हुआ। और ये अगर आप देखें तो इसमें हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर तो आप खुद जानते हैं कि लॉगरिथम नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, एक एफ हमारे पास बाइनरी रिलेशन है जो कि फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी जो रेंज है वो इसके जो ऑर्डर पेयर्स में सेकंड एलिमेंट्स हैं उनमें लिखी हुई है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं और सेकंड जो है ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स ये रेंज के हैं, जो कि एक्स वाई और जी हैं, जो कि हमें ऑप्शन डी में नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, बल्कि इसमें अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो वो रॉन्ग बन रहे हैं, जैसे वन एक्स और जी ये बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि वन डोमेन का है फिर एक्स रेंज का है, यानी एक्स वन लिखने से एफ ऑफ एक्स में एक्स वन लिखने से जो रेंज मिलनी थी वो एक्स आनी थी, ठीक है। तो उस लिहाज से और फिर ये भी बी ऑप्शन भी और सी भी, सी तो बेसिकली ये डोमेन का सेट है जो कि रेंज का नहीं कहलाएगा, इसलिए फिर हम कहेंगे ऑप्शन डी ही ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो कि ऐसा से डिफाइन हुआ है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या हो सकती है, यानी हम जब इसके जो वेरिएबल है मतलब एक्स है उसके वैल्यूज को पुट करेंगे जो कि डोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे, तो उसको ऑपरेट करने के बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में हम जानते हैं कि हम एक्स को जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरो स्क्वायर जीरो आ जाएगा, वन ओवर जीरो फॉर्म बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि जब इस फंक्शन में हम जीरो नहीं पुट कर रहे इसका मतलब इसका जवाब जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। और फिर कोई ऐसा नंबर नहीं है रियल में कि आप उसका स्क्वायर करें उसमें वन ऐड करें और फिर उसको उसी नंबर से डिवाइड करें और आंसर आपका जीरो आ जाए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका जवाब कभी वन नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखें जब आप फर्ज करें एक्स स्क्वायर कोई भी नंबर हो फर्ज कर लें अगर वन ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वन में आप वन ऐड करके फिर उसको वन पर डिवाइड करें तो आपका आंसर वन नहीं आएगा, मीन्स के वन भी इसमें रेंज में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये यहाँ से वन जो शो किया जा रहा है कि ये इस क्लोज इंटरवल में है, यानी जीरो भी शामिल है और उससे बड़े नंबर और वन से लेस और वन भी शामिल है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं बनता, ठीक है। फिर इसमें मतलब कि जीरो नहीं है शामिल, ठीक है, यानी रेंज में जीरो नहीं आएगा और मतलब वन से छोटे नंबर आएंगे। अब देखें आप देखें कि वन से बड़े नंबर आ सकते हैं, ठीक है, यानी जिस वक्त हमारा डिवाइजर बहुत छोटा नंबर हो तो आंसर बहुत बड़ा नंबर आता है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैं बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, फर्ज करें 0.00005, ठीक है, अब वन में ये नंबर ऐड भी हो जाए लेकिन जब इसको 0.00005 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर एक वन से बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि डी में वन को शामिल किया जा रहा है, ठीक है, क्लोज्ड किया जा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेंज में वन नहीं आ सकता। इस बेस पर फिर ऑप्शन सी ही हमारा जो है वो बेस्ट बिल्कुल ऑप्शन है, जो कि इसके रेंज के एलिमेंट्स के इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि आप फंक्शन एफ जो कि फ्रॉम आर टू आर है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर तक है, ठीक है, या रियल नंबर को मैप कर रहा है रियल नंबर पे, इज डिफाइंड बाय, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स में जो एक्स है हमारे पास जो कि डोमेन का एलिमेंट यानी डोमेन के एलिमेंट के लिए वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो इसमें इसकी जो रेंज है वो वन उस वक्त आती है जब आप एक्स जो डोमेन में एलिमेंट पुट करेंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन है, ठीक है। और
इसकी रेंज माइनस वन आएगी जब आप एक्स जो है वो इरेशनल नंबर चूज करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि आप फिर ये बताएं कि एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 22 बाय 7 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब ये बात याद रहे कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22 बाय 7 है, यानी हम यहाँ पर ये अस्यूम नहीं करेंगे कि ये 22 बाय 7 है, ठीक है। और इस लिहाज से तो फिर ये भी एक मतलब हमारे पास 22 बाय 7 लिखा होगा, मतलब कहेंगे एक रैशनल नंबर और ये भी रैशनल है, फिर तो 1 माइनस 1 जीरो आंसर। और जो कि मतलब जो पाई की डेफिनेशन है उसके लिहाज से गलत हो जाएगा क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो फिर इस फंक्शन को जैसे डिफाइन किया गया है इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन यानी रेंज, और ये 22 बाय 7 एक रैशनल नंबर है इसकी रेंज आएगी 1। तो जब दो दफ़ा नेगेटिव वन आया तो इसको हम नेगेटिव टू कह सकते हैं, ठीक है, ऐड करके। इसलिए ऑप्शन जो सी होगा हमारा वो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ये कुछ ग्राफ बने हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो फंक्शन का नहीं है, ठीक है। अब देखें इसका हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, यानी मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर वो जो ग्राफ है उसको सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब होगा कि ये ग्राफ फंक्शन का। अब इसका क्या रीज़न है, देखें इसमें बेसिकली हम यूँ बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है फर्ज करें ये इस फंक्शन में जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल समथिंग 2x प्लस 3 हो, बल्कि तो लीनियर का ग्राफ होगा लेकिन फर्ज करें कोई ऐसी वैल्यू है, ठीक है। जब मैं इसमें एक्स की वैल्यू फर्ज करें नेगेटिव में ये नेगेटिव 1 और ये नेगेटिव 2 पुट करता हूँ तो जब वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रही है जो कि पॉजिटिव है 2, ठीक है। यानी मेरे बॉर्डर पेयर आ रहा है कि x माइनस 2 पुट करने से y पॉजिटिव 2 आ रहा है, जबकि अगर वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता जैसे इस केस में और ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर लेती चाहे राइट साइड या लेफ्ट पे, तो देखें इसमें मैं x की एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस 1 फर्ज करें, अगर ये 0 है तो ये माइनस 1 है, तो मुझे यहाँ पर y की एक वैल्यू पॉजिटिव 2 मिल रही है और एक माइनस 2 मिल रही है, यानी एक ऑर्डर पेयर मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 पुट करने से माइनस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 1 करने से पॉजिटिव 2, यानी एक ही डोमेन पे डोमेन की एक वैल्यू पे रेंज की दो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो हमारे पास डोमेन का एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन की वैल्यू रिपीट ना हो, जैसे अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे। इसका मतलब ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, सी ऑप्शन भी है, डी में भी अगर आप देखें इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि ये जो बी ऑप्शन है ये ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड हुआ हुआ है उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट का, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो देखें हमने यहाँ पर अब दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो इस फंक्शन को इटसेल्फ देखना है कि ये किन वैल्यू पर डिफाइन हो, वही डोमेन में आ सकती है, और प्लस इस चीज को भी देखना है कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पर डिफाइन होता है, ठीक है, या जीरो पर डिफाइन होता है कि जीरो का अंडर रूट जीरो आता है, तो मतलब हम नेगेटिव नंबर जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते, ठीक है, जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इन ऑप्शंस को अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से मेथड से देखें तो देखें इसमें मैं माइनस 4 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि अगर मैं माइनस 4 पुट करूं या प्लस 4 पुट करूं यहाँ पर मेरा आंसर 16 आ जाएगा, और ये 1 ओवर 16 माइनस 16 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है तो मेरा आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे इस जगह एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो लिखने से ये आंसर 0 ना आ सके, ठीक है, तो इसका और नेगेटिव भी ना आए, ठीक है।
इसका मतलब कि मैं माइनस फोर से जो मेरे पास बड़े नंबर हैं ठीक है, सब माइनस थ्री माइनस टू, उनका स्क्वायर करूंगा तो वो 16 से कम आएगा और हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह पॉजिटिव में 4 से छोटे नंबर पुट करूंगा तो मेरा स्क्वायर का आंसर मतलब आएगा वो 16 से लेस होगा, तो ये आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं ऑप्शन बी नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि इसमें 4 और माइनस 4 है जिससे ये अनडिफाइंड हो रहा है। ऑप्शन ए देखा जाए तो ये बिल्कुल बेस्ट है यहाँ पे। अगर सी को देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि हम मतलब माइनस 4 और 4 इस इंटरवल के अलावा सारे नंबर पुट कर सकते हैं जो कि रॉन्ग है। यानी अगर फर्ज करें मैं इसमें 5 पुट करता हूँ तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 16 में से 25 माइनस करेंगे मेरे पास माइनस 9 आएगा जो कि स्क्वायर रूट माइनस 9 का एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब डिफाइंड ही नहीं हो रहा। इसीलिए ऑप्शन सी और डी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा और हम कहेंगे कि जो इस फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो इस इंटरवल में है जिसमें कि माइनस 4 से जो वेरी वेरी नेक्स्ट ग्रेटर नंबर आते हैं वो और पॉजिटिव 4 से वेरी वेरी जो उसके क्लोज छोटे नंबर हैं 4 से वो आएंगे ठीक है। तो ये वो इंटरवल होगा जो कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा।